بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم 9th class, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. बेटा आज के लेक्चर में हमने गज़ल नंबर एक का शेर नंबर पाँच जो है वो इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं. शेर आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है. हसब मामूल सबसे पहले हमने इसका पैटर्न लिखना है. हवाला शेर नीचे सिंफ अदब जो कि गज़ल में से है इसलिए हम लिखेंगे सिंफ अदब सिंफ में से. और शायर के जो है वो है मीर तकी मीर. इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं मुख्तसर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं सारे शेर की तशरीह बोर्ड पे भी लिख देता हूँ. इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है. यानी शायर कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर महबूब कहने लगा कि ये आवाज़ तो उसी खाना बर्बाद की है. गोया महबूब ना सिर्फ हमारी आवाज़ को पहचाना बल्कि इसे हमारे हालात से भी आगाही है. इसे मालूम है कि मोहब्बत में हमारा घर ख़राब है हुआ है. मोहब्बत में महबूब तक अपने दिल की बात पहुंचाना आसान नहीं होता. ठीक है, तो महबूब यानी अपने आशिक की आवाज़ को पहचान दिया है और उसके बाद ना सिर्फ पहचाना है बल्कि हालात से भी आगाही का इजहार किया है. बहुत मज़ा है, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए थोड़ा बोलने मुझे प्रॉब्लम हो रही है. मैं वीडियो रोक के इसको जो है वो लिख देता हूँ बोर्ड पर इंशाल्लाह, फिर एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा. मुख्तसर से मफ़हूम आपके सामने मैंने रख दिया है, अब तशरीह के बाद हम इसको देखते हैं बाकी. जी तो बेटा तशरीह आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दी है, एक दफ़ा तशरीह में पढ़ लेता हूँ आपके सामने फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे. सबसे पहले हमने हसब मामूल शायर का तारफ़. शहनशाह गज़ल मीर तकी मीर उर्दू के शरा आफाक शायर थे. उनकी गज़लिया शायरी उर्दू अदब का सरमाया है. गम इश्क और गम ज़माना पर मबनी मीर के अशार जिंदगी की तलखियों के आकाश भी हैं और उलझनों के तर्जमा भी. यहाँ तक आ गया शहर का मुख्तसर से तारफ. अब हम आते हैं शहर की तरफ. मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है. अब उस शहर के बारे में कहने के ज़ेर तशरी शहर में शायर कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर मेरा महबूब कहने लगा कि ये आवाज़ तो उसी खाना बर्बाद की है. यानी अपने आशिक का अपने चाहने वाले का कह रहे हैं. गोया महबूब को ना सिर्फ हमारी आवाज़ की पहचान है बल्कि उसे हमारे हालात से भी आगाही है. इसे मालूम है कि इसकी मोहब्बत में हमारा घर बर्बाद हुआ है. मोहब्बत में महबूब तक अपने दिल की आवाज़ पहुंचाना आसान नहीं होता. अगर दुख उठाने के बाद भी मोहब्बत करने वाले को महबूब मिल जाए तो वो उसे बड़ी कामयाबी समझते हैं. लेकिन होता यह है कि महबूब मोहब्बत करने वालों के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने की बजाय बेरुखी का मुजाहरा करता है और कभी कभी तो बात जुल्म और सितम तक जा पहुंचती है. शेर इसमें ऐड किया है, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम सहते हैं. हमने सुना था उसी बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं. मुख्तसर तशरीह आपके सामने आ गई है. यानी इस शेर में शायर एक तरफ तो अपने महबूब की इस बात पर जो है ना वो एक खुशी की कैफियत शायर के दिल में आती है कि चले कोई बात नहीं, अगर हमारा महबूब हमसे मोहब्बत नहीं करता हमसे वफा तो नहीं करता लेकिन हमारी आवाज़ सुनकर उसने कम से कम हमें पहचान तो लिया कि ये आवाज़ मेरे चाहने वाले की है.
तो एक तरह का यानी अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि चले मेरा महबूब कम से कम मुझसे इतनी शनासाई तो रखते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें एक तंजिया पहलू भी है इसके बरक्स। एक तरफ तो ये था कि महबूब जो है वो आवाज़ पहचान रहे हैं और हालात से भी आगाही है, तो इसका मतलब है कि उसके दिल में कोई छोटी सी रमक तो है कि उसने मुझे पहचान लिया, मेरी तरफ उसका दिल थोड़ा सा माइल तो था, उसने मुझे सुनते ही पहचान लिया। लेकिन इसके बरक्स तंजिया पहलू अगर देखा जाए तो वो ये बनता है कि जब महबूब ने आवाज़ सुनी तो महबूब कहने लगा कि ये आवाज़ तो उसी खाना बर्बाद की है, खाना ख़राब की सी है। तो यानी कि शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब तो मेरी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता कि जब उसने मेरी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उसने मुझे खाना ख़राब यानी ऐसे लफ्ज़ों से जो है वो याद किया, मुझे मेरे बारे में ऐसे अल्फाज कहे कि जो किसी ऐसे शख्स के बारे में बोला जाता है कि जिससे मोहब्बत तो नहीं बल्कि नफ़रत होती है, तो नफ़रत के वक्त वो वाले बोल बोले जाते हैं। तो यानी कि शायर के महबूब ने शायर से नफ़रत का इजहार करते हुए कहा है कि ये जिस फ़र्द की आवाज़ आ रही है, जिस बंदे की आवाज़ आ रही है, ये तो एक खाना ख़राब बंदा है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। तो ये एक तंज़िया पहलू होता है इसमें। लेकिन एक इसके अलावा दूसरा पहलू भी है जो शायर अपने दिल को उससे खुशी महसूस करते हैं कि नहीं चले कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरा महबूब जो है वो मुझे पहचानता तो है कि उसने मेरी आवाज़ सुनकर ही मेरे बारे में उसने अपनी सारी जो यानी एक कैफियत थी वो कम अज़ कम इजहार अगर नहीं भी किया लेकिन पहचान तो मुझे दिया, तो ये भी एक बड़ी बात होती है। मोहब्बत में असल में शायर ये कह रहे हैं कि मोहब्बत में नाकामी का होना ये कोई नई बात नहीं है, ये तो चलता आ रहा है। बहुत कम ऐसे होता है कि कोई शख्स अपनी मोहब्बत में फ़ौरन ही कामयाब हो गया हो। मोहब्बत में नाकामी होना यही असल में हकीकी तौर पर शुरा के नज़दीक वो कहते हैं कि मोहब्बत होती है। लेकिन इससे बढ़कर कि अगर किसी शख्स को किसी चाहने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मसाइल का सामना करना पड़े और उनके बाद फिर वो उसको उसका महबूब जिसकी खातिर वो अपनी मोहब्बत की खातिर और अपने महबूब की खातिर बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसको बहुत सारी ऐसी बातें ऐसा कुछ जो है वो महसूस करना पड़ा कि जिसकी खातिर उसकी अपनी इज्जत नफ्स भी जो है उसको भी मजरूह होना पड़ा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत अपनी नाकामियों पर जो है वो पसपा नहीं हुआ, पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि जब उसे सच्ची मोहब्बत थी तो उसने फिर ये ठान ली थी कि मैं इसे हासिल करके रहूँगा। अब इन तकलीफ़ और मसाइब के बाद भी अगर किसी बंदे को किसी चाहने वाले को उसका महबूब मिल जाता है तो वो इसको बहुत सस्ता सौदा समझता है, वो उसके नज़दीक उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि उसके नज़दीक ये जितनी तकलीफ़ और मसाइब जितनी परेशानियों को उसने सामना करना पड़ा उनका हासिल ही ये था कि उनको क्रॉस करना था, उनसे सबसे गुजर कर उसने जो है वो इस तक पहुँचना था, उसे उसकी मंजिल का मिल जाना ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो यही बात है कि अगर इन परेशानियों के बाद भी किसी चाहने वाले को उसका महबूब मिल जाता है तो वो उसको ऐसे ही लेते हैं कि मुझे कोई परेशानी कोई तकलीफ़ कोई मुसीबत पहुंची ही नहीं है, क्योंकि असल जो उसका मकसद था वो उसका पूरा हो गया होता है। तो इस शेर में शायर अपने महबूब के बारे में हवाले से यही कुछ कह रहे हैं कि या तो वो मुझसे मोहब्बत करता है, चलो थोड़ी सी उसके दिल में मेरी मोहब्बत है तो उसने मेरे बारे में मुझे सुना था मुझे पहचान लिया, या अगर नफरत के पहलू से देखा जाए तो उसने शायद कह रहे कि वो मुझे सुनना ही नहीं चाहता कि सुनते साथ ही उसने कहा है कि मेरे ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की है, यानी जिस शायर के बारे में उसने कहा है। तो बेटा ये इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, अपनी कॉपी में भी इसको आपने नोट कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे अगली तशरीह नंबर 6 जो है इसको हम इंशाल्लाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।